जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर एक बार लेकर चल रहा हूँ बुमलू के पास में नेशनल हाईवे पर। NH के इस रोड पर हमने आपको लगातार कई खबरों के माध्यम से जागरूक किया है और हमने ये प्रयास किया है कि इस रोड के माध्यम से जब भी कोई समस्या होती है तो वो समस्या को हम अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और लोगों को जो असुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं का समाधान कराने की भरपूर और भरसक प्रयास करने का हम तत्पर रहते हैं। आज जैसे कि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बुमलू हार के पास में, जो फ्लाईओवर के पास में, मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा ये जो जगह है, यहाँ पर एक बड़ा मिट्टी का ढेर लगा रहता था और यहाँ पर काफ़ी रोड डैमेज था। हमारे माध्यम से लगातार इस पर खबरें उठाई गई, 3-4 बार इसको लेकर हमने नेशनल हाईवे के संज्ञान में इस बात को लाया। नेशनल हाईवे का हमेशा ये प्रयास रहता था कि इसको रिपेयर कराया जाए, लेकिन कभी बरसातें आ जाती थी, कभी कई रीज़न आ जाते थे, तो यहाँ पर जो कार्य था वो काफ़ी डिले होता जा रहा था। हमने इसको लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो जगदीश कानूगो जी थे उनसे भी 2-3 बार चर्चा की, उन्होंने भी काफ़ी इसको लेकर भरसक प्रयास किए, टेंडर्स वगैरह लगाने का प्रयास किए और उसके बाद अब ये जाकर कार्य जो है वो नेशनल हाईवे द्वारा करवाने का शुरुआत किया गया है। जीवन उत्साह की 3-4 बार इन खबरों को कवर करने के बाद में नेशनल हाईवे ने अब इस कार्य को करने की शुरुआत की है और अब क्योंकि प्रमोद कश्यप जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो नेशनल हाईवे के हमीरपुर में आगे हैं उनके संज्ञान में भी इस बात को लाया गया, तो उन्होंने भी इसको लेकर जल्द ही कार्य कराने की जो भरोसा दिया था उस भरोसे को लेकर हम यहाँ पर आज उनका पहले धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस कार्य को लेकर एक जो सही निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ ये थी कि यहाँ पर जो था वो काफ़ी मिट्टी पड़ी रहती थी और यहाँ पर ये पुलिया रहती थी, ये तो अभी इन्होंने डाइवर्जन कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर अब रोड भी थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, ये काफ़ी एक अच्छी बात रहेगी। और अब क्योंकि ये काम शुरू हो गया है तो अब ये डाइवर्जन एक तरफ का करके एक तरफ किया जाएगा, यानी आधा रोड पहले बनाया जाएगा उसके बाद में फिर उसको चालू करके आधा दूसरी तरफ बनाया जाएगा। तो ये अब जो नेशनल हाईवे का जो समस्या था जहाँ पर यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते थे, मिट्टी के ऊपर लोग चढ़ जाते थे, रोड भी बहुत छोटा हो गया था, ये समस्या का समाधान जल्दी ही आपको मिलेगा और लोगों की जो समस्याएं थी वो समस्या कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रही है। यहाँ के जो अभी जेई साहब हैं उनसे भी मेरी इसको लेकर चर्चा हुई थी और बहुत ही अच्छा उन्होंने त्वरित इसके ऊपर एक्शन लिया था और उन्होंने ये भरोसा भी दिया था कि बहुत जल्दी ही इस कार्य को हम करवाएंगे। और अब क्योंकि यहाँ पर पहले ये पुलिया डली हुई थी, यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉजवे बना हुआ था और अब जो है वो इसी तरह से कॉजवे जो है वो वापस बनाने की बात की जा रही है कि इसको पूरा खोद के लेकिन अलग अलग पार्ट में बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये रोड चलता हुआ है, इसका कोई और विकल्प नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, एहतियात बरतनी है अभी के थोड़े दिन का और उन लोगों को कष्ट ज़रूर होगा, लेकिन ये जो समस्या यहाँ पर चल रही थी उस समस्या का अब आपको समाधान मिलेगा। इसी तरह से आप सब लोग बने रहिए, जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये प्रयास रहता है कि क्षेत्र की समस्याओं को एक सही एक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक पहुँचाया जाए और जीवन उत्साह की खबरों को आप सब लोग पसंद करते हैं और अधिकारी भी इस बात को कई बार अप्रिशिएट करते हैं कि हमें आपके माध्यम से कई समस्याओं का पता लगता है। तो ये हम सब लोगों का मिलकर एक साझा प्रयास होना चाहिए। केवल जीवन उत्साह न्यूज़ इकलौता कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो सभी समस्याओं का समाधान करवा सकता है, लेकिन कुल मिला के हम जितना प्रयास कर सकते हैं ईमानदारी के साथ में अपने समाज के लिए जितना कर सकते हैं उतना हम करने का हमेशा प्रयास करेंगे। कुछ लोग हमारे विरुद्ध ज़रूर होते हैं, वो शायद हमसे नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन मैं फिर उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी एक दिन प्यार में बदल जाएगी, आपकी नाराज़गी एक दिन मोहब्बत में बदल जाएगी। जीवन उत्साह न्यूज़ का जो काम करने का तरीका है वो समाज के हित में है, इसमें कोई शक नहीं है और ख़ासकर मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हमारे माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ना तो नुकसान पहुंच सकता है ना हमारा इरादा है, बस इरादा एक ही है, समाज में ग्रोथ हो, आगे बढ़े सब लोग, समस्याओं का समाधान हो और एक आम आदमी सुख की ज़िंदगी जी सके, जो सरकारें भी चाहती हैं, अधिकारी भी चाहते हैं, प्रशासन भी चाहता है।
जीवन उत्साह न्यूज़ की इस खबर के साथ आप बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को प्लीज़ शेयर जरूर करीजिए ताकि हम लोगों को और हौसला मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बातों को बेधड़क रख सकते हैं और उनके समाधान के लिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।